उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंगलवार की सुबह दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली रुदौली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ अयोध्या मार्ग पर मंगलवार की भोर में कानपुर से बस्ती की ओर जा रही 2 रोडवेज की बस में से आगे चल रही बस को रोजा गांव ओवरब्रिज के पास बगल से गुजर रही एक DCM ने टक्कर मार दी। रोडवेज बस के चालक ने बस को किनारे रोक दिया, उसके साथ पीछे चल रही दूसरी बस के चालक ने भी बस को रोक दिया और DCM से लगी टक्कर को देखने के लिए आगे ओवरब्रिज के पास बस का निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान बस के अंदर बैठे यात्री भी नीचे उतर आए। इसी बीच लखनऊ की ओर से अयोध्या जा रहे एक ट्रेलर ने अनियंत्रित होकर खड़ी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर की भीषण टक्कर से बस से नीचे उतरकर खड़े यात्रियों में से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को आनन फानन में 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं संबंध में CEO रुदौली डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया है। 6 घायलों को जिला अस्पताल तत्काल भेजा गया और 2 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली लाया गया था, जिनकी भी हालत गंभीर होने पर CHC के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल अयोध्या रेफर कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।